I'm your host DM Niman Ali, and you're listening Meet with Jinns. आज का वाकया हमें शुमाली इलाका जास से भेजा है सफीर मेहदी ने, और सफीर मेहदी अपना वाकया बयान करते हुए फरमाते हैं कि गिलगिल बल्तिस्तान पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों में बहुत ही उम्दा टूरिज्म के हवाले से नुमाया तौर पर जाना और पहचाना जाता है। वो बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है कि जब टूरिज्म के ऊपर गिलगिल बल्तिस्तान हमारे इलाके में भी काम में थोड़ी तेज़ी आई, तो मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद टूरिस्ट गाइड के तौर पर एक न्यू जॉब स्टार्ट की जो मेरे अपने ही इलाके में थी। वो जॉब इस तरह थी कि मुझे अपने ही इलाके के पहाड़ी मुकामात के बारे में मुकम्मल जानना था और एक अच्छे और बेहतरीन गाइड के लिए इस बात को जानना ज़रूरी है जो तमाम रास्तों से वाकफियत रखता हो और तमाम मकामात और उन मकामात पर जाने के शॉर्ट रास्ते, और ख़ुदा न खास्ता अगर कभी कोई लैंडस्लाइडिंग हो जाए या किसी भी वजह से कोई ख़तरा हो, परेशानी हो, अगर कोई भी मुसीबत आफत आ जाए कुदरती, तो उसे बचने के लिए मेरे पास तमाम एहतियाती तदाबीर हो। कहते हैं हमारी एक टीम थी जिसमें दो दो अफराद के पेयर्स थे, और हम लोग जो हैं वो एक गाइड ट्रेनर के तौर पर अपने इलाकों में पहाड़ी मकामात पर विजिट करते थे जहाँ पर अगर टूरिस्ट आए तो उनको ठहराया जा सके, कौन सी जगह मौजू है और कौन सी गैर मौजू। बताते हैं कि मेरा एज ए गाइड के तौर पर स्ट्रगलिंग पीरियड था, और मेरे साथ एक और मेरे ही इलाके के बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे जिनके साथ मैं मुख्तलिफ मकामात का सर्वे करता था। तो एक दिन हम एक ऐसी जगह पर गए जो तकरीबन पहाड़ के दूसरी तरफ वाकया है, गिलगित में एक पहाड़ है। वो बताते हैं कि उस पहाड़ का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक गैर मराई मखलूक के टकराव का वाकया है जो हमारे साथ पेश आया। वाकया कुछ इस तरह है कि हम एक जगह का सर्वे करने के लिए गए। सर्वे करने गए तो हमें वो जगह बहुत भली और मौजू मालूम हुई, तो हम डिस्कशन करने के लिए बैठे कि यहाँ पर कैंपिंग होनी चाहिए और यहाँ पर स्टॉल होना चाहिए जिससे लोग खाने पीने की अशिया ले सकें, और मुख्तलिफ जिस तरह के किसी भी अच्छे स्पॉट को देखकर एज अ गाइड आप कोई नक्शा खींच सकते हैं उस एनवायरनमेंट के लिए टूरिज्म के एंजॉयमेंट के हवाले से। तो हम बैठे उसी पर डिस्कशन कर रहे थे, तो डिस्कशन के दौरान हमने देखा कि जिस मकाम पर हम मौजूद हैं हमारे से पीछे जो है वो कुछ गारे भी मौजूद हैं जो कि इस कदर तवील तो नहीं है, पर हाँ उनका वजूद ज़रूर है। तो हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया, तो हमने देखा कि जिस मकाम पर हम बैठे हैं तो पहाड़ की ऊपर वाली तरफ से जो है वो दो अशखास हैं जो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। तो बताते हैं कि वो लोग हमारे करीब आए और हमें सलाम किया। सलाम दुआ करने के बाद उन लोगों ने हमसे पूछा कि हम यहाँ इस जगह पर क्या कर रहे हैं।
हमने उनको बताया कि हम इस इलाके से ही ताल्लुक़ रखते हैं और हम गाइड हैं, और जो लोग यहाँ पर सयाहत के लिए आएंगे हमने उनके लिए इस जगह को पसंद किया है, और यहाँ हम अपनी टीम के साथ दोबारा वापस आएंगे। अभी हम सर्वे के लिए आए हैं, यहाँ पर कैंपिंग होगी टूरिस्ट के लिए, और यहाँ पर एक स्टॉल भी लगाया जाएगा। तो उन अफराद ने कहा, वो बताते हैं कि ये वक्त था तकरीबन असर और मगरिब का दरमियानी वक्त, जिसको आप झटपटा कहते हैं, कि अंधेरा छाने वाला ही होता है और आधी रोशनी होती है और आधा अंधेरा होता है। बताते हैं कि इस झटपटे के टाइम वो लोग जो हैं वो पहाड़ की ऊंचाई से उतरते हुए आए थे। वो कहने लगे कि बेटा, कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहां अगर इंसान कयाम ना ही करें तो बेहतर है। जिस तरह ये ज़मीन आप लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, इस तरह अल्लाह ताला की और मखलूकात भी हैं जिनका गुज़र ऐसी जगहों से होता है जो इंसानों के लिए नहीं है। तो आप अगर इस मुकाम से हटकर इस पहाड़ की दूसरी तरफ, अगर जहाँ पर इंसानों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर कोई निशानदेही करें लोगों की सैर व तफरी के लिए, तो ये बात ज़्यादा मौजू और ज़्यादा बेहतर होगी। तो हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं, हमने देखा है कि आप पहाड़ की चोटी पर से आ रहे हैं, और आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम भी आपकी तरह अल्लाह के बंदे हैं, और यूं समझ लीजिए कि हम इन्हीं पहाड़ों में रहते हैं, और आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि आप अपनी हदूद में रहें और अपनी हदूद को क्रॉस मत करें। अगर आप इस हदूद से आगे बढ़ेंगे तो आप खुद भी जानी नुकसान उठाएंगे, और जो सयाह आपके साथ यहाँ आएंगे उनको भी जानी नुकसान पहुँचेगा। यहाँ पर जंगली जानवर भी हैं इन पहाड़ों में, जैसे शेर, चीते वगैरह, और भी अल्लाह ताला की मखलूकात हैं जिनसे आपको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जो जगह इंसानों के लिए नहीं है वो नहीं है। समझाना हमारा काम था, आगे समझना आपका काम। बताते हैं कि ये कैसे कहते वो लोग उठे हैं और उठ के पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ना शुरू किया, हमारे देखते ही देखते नज़रों से ओझल हो गए। हमने नीचे आकर जो हमारी पूरी गाइड टीम थी उससे इस मामले को डिस्कस किया, और इर्द गिर्द के मौजज़ीन और मोतबिर लोगों से पता किया, तो उन्होंने बताया कि इस पहाड़ पर तो कोई ऐसी रिलीफमेंट ही नहीं है कि कोई ऊपर रिहाइश बना सके या रह सके, और इतनी ऊंची पहाड़ की चोटी पर नामुमकिन है कि कोई जो है वो इंसान रहे। हम अरसा हयात से यहाँ पर कयाम पजीर हैं, पर हमने इस पहाड़ पर किसी की चहल पहल नहीं देखी। तो बताते हैं कि इस वाक्य के पेश आ जाने के बाद हमने जो नतीजा अखज किया वो यही है कि हमें नज़र आने वाले वो दो अशखास जो थे उनका ताल्लुक कौम जिन्नात से था, जिनकी ऊपर पहाड़ पर रिहाइश थी, और जिस मकाम को हमने पसंद किया वो था तो बहुत खूबसूरत, लेकिन वहाँ पर एक सन्नाटा और वीरानी भी थी। वो बताते हैं कि हमें वार्निंग मिली उनकी तरफ से कि हम यहाँ ना आए, अगर हम आते हैं तो हम जानी नुकसान भी उठा सकते हैं। वो बताते हैं कि मेरे गाइड स्ट्रगलिंग के दौरान ये वाकया पेश आया जो मैंने आपसे शेयर किया। तो ये वो वाकया था जो हमें सफ़ीर मेदी ने शिमाली इलाका जात से बयान फरमाया। ये बहुत ही सबक आमोज़ वाकया है, और इस बारे में बहुत बड़ी तहलील है कि जिन्नात भी मौजूद होते हैं, और जो अल्लाह ताला के हमारी ही तरह की मखलूक हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, मैसेज है, वो ये है कि उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि आकर तंबी की, खबरदार किया
कि अगर आप हमारी हदूद को क्रॉस करेंगे तो फिर आप जानी नुकसान उठा सकते हैं। तो इसी वाक्य के साथ मिलते हैं कुछ और नई कहानियों के साथ। सुनते रहिए मेरा प्रोग्राम मीट विद जेंस। अपने होस्ट डी एम नुमान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।